देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा में हुए दंगों को आज 7 दिन का समय हो गया है। क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। बात की जाए ताजा अपडेट की तो अब तक उत्तराखंड पुलिस ने 36 दंगाइयों को गिरफ्तार किया। कल इस पर SSP प्रहलाद मीणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कल 6 और दंगाइयों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पुलिस थाने को आग लगाने वाले अपराधी और पुलिस जवान से रिवॉल्वर छीनने वाले दंगाई शामिल है। साथ ही 41 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए जा चुके हैं। पुलिस टीमें लगातार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है। बनभूलपुरा की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने के तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा, जिसमें कहा गया था कि अवैध मस्जिद वाली जगह पर थाना खोला जाएगा, पर अमल किया जा चुका है। उक्त स्थान पर घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही पुलिस चौकी का उद्घाटन किया जा चुका है। बड़ी बात है कि हल्द्वानी हिंसा में घायल महिला पुलिसकर्मियों ने ही इस पुलिस चौकी का उद्घाटन किया है। साथ ही इसे थाने में तब्दील करने की संस्तुति भी शासन को भेजी गई है। इस चौकी में फिलहाल एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल और कुछ PSC के कर्मचारी सहित पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान तैनात रहेंगे, जिससे अराजक तत्वों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जो 8 तारीख को घटना हुई थी, उसमें हमने 3 FIR पंजीकृत किए और इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने इसमें कुछ अभियुक्त पहले जेल भेजे थे। इन्हीं 3 FIR में आज जो है हमारी टीम ने 6 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से 3 लोग जो हैं, जो थाने के बाहर घटना हुई थी, थाना जलाने की जो कोशिश हुई है उसमें गिरफ्तारी हुई है। एक अभियुक्त की गिरफ्तारी, जो पुलिस का वाहन था और जो हमारे कर्मचारी से रिवॉल्वर छीना उस मामले में, और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी जो नगर निगम के व्हीकल थे उनके डैमेज में और उस क्षेत्र में हुए पथराव एवं आगजनी के मामले में हुई है। तो इस तरीके से आज हमने 6 और अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। अब तक इस मामले में 36 अभी तो गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी के साथ एक बड़ी चीज़ ये निकल के आई है कि चूँकि उस क्षेत्र में अचानक से उपद्रव हुआ और वहाँ पे ये महसूस किया गया कि उस क्षेत्र में और पुलिस व्यवस्था को सुधार करने की आवश्यकता है, उस क्षेत्र में और भी पुलिस सेटअप की ज़रूरत है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस क्षेत्र में एक थाना खोलने की घोषणा की गई है। उसी के क्रम में आज उनकी घोषणा के 24 घंटे के भीतर हमने उस क्षेत्र में एक पुलिस चौकी जो है उसका संचालन शुरू किया है। एक सब इंस्पेक्टर, 4 कांस्टेबल, उसके साथ में कुछ PSC के कर्मचारी और अभी की चूँकि हमारे जिले में पैरामिलिट्री भी है तो उसकी भी तैनाती वहाँ कर दी गई है, जो उस क्षेत्र में जो इस तरीके से अपराधी तत्व हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखेंगे और उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दंगाइयों के आतंक के कारण कर्फ्यू से ग्रस्त बनभूलपुरा इलाके में प्रशासन के द्वारा आवश्यक सेवाओं की पूर्ति तेजी के साथ की जा रही है। जिलाधिकारी वंदना सिंह के निर्देश पर मंगलवार को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में खाद्य सामग्री, तेल मसाले, फल, सब्जियां, गैस सहित अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं को पहले ही सुचारू कर लिया गया था। जोनल मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि मंगलवार को बनभूलपुरा क्षेत्र में आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया गया, जिसमें खाद्यान्न सामग्री, तेल मसाले, अंडे, ब्रेड, सब्जियों, फल तथा रसोई गैस का वितरण किया गया है। इसके अलावा जोनल मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि बनभूलपुरा स्वास्थ्य केंद्र में 84 OPD शुरू की गई है। साथ ही बनभूलपुरा में वृहद पशु चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 30 छोटे और 14 बड़े पशुओं की चिकित्सा एवं 17 को फीड ब्लॉक का वितरण किया गया, जिसमें 1962 की आपातकालीन टीम तथा सचल भीमताल द्वारा उचित सहयोग दिया गया है। ये बात तो तय है कि अब शासन प्रशासन व्यवस्थाओं को सुचारू करने में जुट गया है, परंतु इन सब के बावजूद अब भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि दंगों का मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर क्यों है? आखिर कहां गायब हो गया हल्द्वानी दंगों का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक? न्यूज इंडिया अपडेट के लिए हल्द्वानी से संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट।